आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फ़ोन में WhatsApp, YouTube और Facebook और इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आप उनका साइज अपनी मर्जी से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने WhatsApp, YouTube और Facebook का जो साइज़ है एप्लीकेशंस का उनका यहाँ पे बड़ा किया हुआ है। तो आप भी अगर अपने मोबाइल फ़ोन की किसी भी एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप अगर ये ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के ऊपर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। तो आप दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने WhatsApp, Facebook और YouTube का जो साइज़ है वो यहाँ पे बड़ा किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो आपने जहाँ पे भी जिस एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा करना है आपने स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, और उसके बाद नीचे आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं तो यहाँ पर जो दूसरी सेटिंग है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक ऐप का लोगो मिलेगा तो आपने इस लोगो के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके स्क्रीन के ऊपर लेके आना है और यहाँ पे छोड़ देना है, और उसके बाद यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगी तो यहाँ पे आपने उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है जिसका आप साइज बड़ा करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं प्ले स्टोर की जो एप्लीकेशन है इसका साइज बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर की एप्लीकेशन को सर्च कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा आपने उस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं प्ले स्टोर की एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक इसकी जो डुप्लीकेट एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो आपने यहाँ से बैक आना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इस एप्लीकेशन का साइज बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इन तीनों एप्लीकेशन को यहाँ से हटा देना है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपने प्ले स्टोर की एप्लीकेशन ऐड की थी आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपने इन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बड़ा करना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो साइज है वो यहाँ पे बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने मोबाइल फोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनका साइज बड़ा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने सर्च बार पे टाइप करना है जो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन का नाम टाइप कर रहा हूँ, आपने यही नाम टाइप करना है, और यहाँ पे आपको ढेरों एप्लीकेशन मिल जाती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये एक एप्लीकेशन मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से अपने मोबाइल फ़ोन की किसी भी एप्लीकेशन का साइज़ अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं।